सो so गाइज जो फर्स्ट हील मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ली है मैंने फ्लिपकार्ट से एंड गाइज यू नो ना कि हमें ट्रांसपेरेंट हील्स का फैशन बहुत टाइम से चला आ रहा है एंड स्टिल इज गोइंग ऑन सो ट्रांसपेरेंट हील्स बहुत लोग लेते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में ले लेते हैं तो so, इसलिए मैंने ये पिक करी है ट्रांसपेरेंट हील एंड इट्स अ क्वाइट डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट इज स्पार्कली स्पार्कली देख लो अभी जो ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रैप है इसमें आपको ये हल्का फुल्का स्पार्कल मिल जाता है एंड यू कैन क्लियरली सी द स्पार्कल इट्स रियली रियली नाइस एक्चुअली जो स्पार्कल है ना पहनने के बाद और ज्यादा ग्लो करते हैं दैट्स वाई आई अप दिस हैंड सैंडल्स एंड इस परफेक्ट साइज है जो आपका साइज है वही साइज आप लीजिएगा सो so, मैंने इसमें बाय करा है साइज थर्टी सेवन जो मेरा एक्चुअल साइज है एंड बिकॉज ऑफ इट हील लुक एट दिस हील कितनी हील है एंड ये हील काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ऐसा नहीं है कि ये बहुत पतला आपको दिख रहा है तो ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी पहनने में बट ऐसा कुछ नहीं है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड काफी ज्यादा ट्रेंडी लगती है यू कैन वेयर दिस ऑन पार्टी में पहन सकते हैं कहीं आउटिंग में जा रहे हैं तो पहन सकते हैं काफी

सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि अब 8 मार्च को आने वाला है वीमेंस डे एंड वे वेमेन्स आर रियली रियली स्ट्रांग वर्सटाइल एंड ब्यूटीफुल तो क्यों ना आप इस वेमेंस डे में अपने आप को गिफ्ट करें करे ज्यूक बैग जस्ट लाइक वे वेमेन हम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वर्सेटाइल होते हैं उसी तरीके से ये ज्यूक बैग भी काफी ज्यादा स्टडी है ब्यूटिफुल है वर्सेटाइल है बिकॉज ये ज्यूक बैग बनाए बनते हैं वेगन लेदर से एंड क्राफ्टेड होते हैं एकड़ प्रिंट से खादी प्रिंट से ये पूरे ज्यूक बैग जो होते

तो इनकी वेबसाइट में अभी सेल चल रही है एंड मैं आपको यहाँ पे कूपन कोड मेंशन कर रही हूँ जो कि है वाई टी वन दिन ट्वेल्व अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मिलेगा ट्वेल्व परसेंट का डिस्काउंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो आई होप गाइज आपको ये वाला बैग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो क्यों ना इस वुमेन डे को एक स्पेशल वुमेन डेज बनाया जाए सो गाइस सेकंड पेयर ऑफ हील्स दिखाऊंगी मैं आपको जो मैंने ली है आज आजीओ से एंड इसका ब्रांड है एम एफ टी कर्च्य एंड इनकी हील्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है एंड काफी ज्यादा स्टडी होती है ये आपको ना बाटा और जो एनी के हील्स आते हैं ना उनकी जैसे वाइब्स देती है बिकॉज ये हील्स काफी ज्यादा स्टडी है मैंने इसको इतनी बार पहन लिया है ना ये कहीं से टूटी है ना ही कुछ है इसकी स्टिचिंग और बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है हील साइज भी काफी अच्छा है जो कि मैं साड़ीज वगैरह के साथ बिल्कुल परफेक्ट पहन सकती हूँ आप टीचिंग करने जाते हैं तो आप इसको स्कूल्स में भी पहन सकते हैं आई वेयर दिस ऑल्सो एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है आप इसको बहुत अच्छे से पहन सकते हैं बिकॉज कलर बहुत ज़्यादा सटल है बिल्कुल परफेक्ट हील है एंड ये जो चौड़ा स्ट्रैप मिलता है ना ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है आगे का जो पैरों का पार्ट होता है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है एंड इट्स रियली रियली नाइस तो येस यू कैन बाय दिस हील फ्रॉम आजियो ये मेरे को मतलब उसमें सेल चल रही थी तो मैंने दो हील्स ली थी तो मुझे 500 समथिंग की पड़ गई थी बट अभी इसका प्राइस 700 समथिंग है बट आप देख लीजिएगा टू तो काट करके रख लेना तो ये जब भी सेल में चलती है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं बिकॉज ये 300 की मुझे पड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका सोल भी काफ़ी अच्छा है मैं पीछे से नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने पहन ली है थोड़ी सी गंदी हो गई है तो येस सेकेंड पेयर ऑफ हील है ये आप इसको ले सकते हैं इसके डिज़ाइंस पैटर्नस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टडी है एंड ये जो ज़्यादा आप इसको अपने शॉर्ट ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं एज वेल एज़ आपका ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी काफ़ी अच्छा चला जाएगा इसके साथ ही मैंने एक और हील्स ली है जो कि अभी तक मैंने वेयर नहीं करी है एंड मुझे काफ़ी से एक ब्लैक हील्स चाहिए थी जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी जो हील्स की तो उसके बाद मैंने एम एफ टी की ही ली है ये मैंने अभी तक वेयर नहीं करी है दोनों हील्स मैंने साथ ही ली थी इसका प्राइस कुछ 2000 समथिंग लिखा है बट ये मेरे को 500 समथिंग की पड़ी थी एंड लुक एट द कलर गाइस जेड ब्लैक है एंड शाइनी ब्लैक है लुक एट दिस हील इट्स रियली रियली नाइस आप इसका पैटर्न देख सकते हो इसका और इसका पैटर्न थोड़ा सिमिलर बट ये सटल थी एंड ये थोड़ा शाइनी मटीरियल में है ब्लैक हील सबके पास होनी चाहिए बट कुछ इस टाइप की हील हो तो मज़ा ही आ जाएगा ये ये ब्लैक हील्स भी आपकी यू नो पार्टी वेयर ड्रेसेस या आपकी शॉर्ट ड्रेस आप के साथ सबके साथ चल जाता है हीस आपको इसमें कुछ इस टाइप की मिलेगी ये थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो सकता है बिकॉज इसकी ये स्ली, बहुत स्लीक हील है इसकी बट मेरे को पहनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बिकॉज आई जस्ट लव टू वेयर हील्स अडमाय मतलब मैं पैंट्स के साथ पहन सकती हूँ मैं इधर साड़ीज़ के साथ सूट के साथ हर किसी के साथ ये हील्स आपकी चली जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है आप देख सकते हैं पीछे से भी आपको इसका सोल बिल्कुल अच्छा मिलेगा एंड yes, ये ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है तो ये आपको अगर देखनी है तो ये एम एफ टी कर्चर बाय माई फुट करके हैं ये आपको मिल जाएगा इसका ब्रांड आई डोंट नो ये कहाँ पे आपको मिलेगा आजियो में तो ये आपको मिल जाता है तो यू कैन बाय दिस फ्रॉम आजियो आल्सो मैं इसका लिंक डाल दूंगी एंड आई जस्ट लव दिस ही आई जस्ट लव दिस एंड गाइस लास्ट हिल में दिखाती हूँ आपको जो ली है मैंने अमेजोन से एंड ये आपको मिंत्रा फ्लिपकार्ट हर जगह आपको मिल जाएगी आजियो में भी मिल जाएगी तो ये शूज़ टोपिया ब्रांड है उसकी हील्स है एंड ये हील्स मैंने आपको शायद पहले भी दिखाई थी आप दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट लव दिस हील ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है साथ में जो इसके सटल कलर है ना ये आपको समर वाइब्स देते हैं आप कलर देखो इसके टू प्रडी कलर है साथ में जो इसका जो मटीरियल है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है स्वेट प्रूफ है और आपको बिल्कुल भी पैरों में लगता ही नहीं कि आपने कुछ पहना है इट्स रियली रियली लाइट वेट तो ये शूज़ टोपिया के सैंडल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है शॉर्ट ड्रेसेस के साथ सबके साथ ये चला जाएगा एंड लुक एट द मटीरियल ऑफ दिस वे पर बहुत अच्छी लगती है सैंडल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसका साइज जो मैंने थर्टी सेवन लिया हुआ है तो सबके साइज थर्टी सेवन इज ऑल ट्रू टू साइज है तो आप अपना साइज़ परफेक्टली पा सकते हैं एंड जो आप साइज़ पहनते हैं वही साइज़ आप ऑर्डर कीजिएगा करिएगा लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड गाइस इट्स रियली रियली नाइस इसका इस स्ट्रैप्स भी मिलता है आपको पीछे से टक करने के लिए ताकि काफ़ी कंफर्टेबल आप इस पर चल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हील्स नहीं लेनी हाई हील्स नहीं लेनी तो यू कैन बाय दिस इसको काफ़ी कम हील है ढाई इंच की हील होगी ये एंड ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा हील्स नहीं लेते हैं तो सो गाइज़ आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा मैंने आपको हर तरीके की हील्स सिखा दी अगर आपको थोड़ी सी मीडियम साइज हील्स चाहिए तो आप ये ले सकते हैं अगर आपको बहुत ही हाई हील्स चाहिए तो यू कैन बाय दिस ऑल्सो एंड अगर आपको ट्रेंडी सैंडल्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली बाय दिस ये हील्स ना आपको मीशो में भी मिल जाएगी आप अगर फोटो खींच के देखना चाहते हैं तो आप इसका इतना सा फोटो क्लिक करके आप इसको मीशो में डाल के देख सकते हैं वहाँ से सर्च बार में डालेंगे तो ये हील्स खुल के आ जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी। जस्ट लव दिस हील ठीक है एंड गाइज अगर आप को मेरा ये जियोग बैग भी पसंद आता है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैं यहाँ पे कूपन कोड मेंशन कर रही हूँ वंदना दिना फिफ्टीन जिसको लगा के आपको इनकी वेबसाइट में फिफ्टीन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तो डोंट फिगर टू चेक आउट दैट आल्सो सो गाइज यही था आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चल दें बाय